चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ, आखिर क्या चल रहा है विश्व विरासत आमेर महल में? आमेर में गाइड और प्री वेडिंग शूट फोटोग्राफर्स में कहासुनी हो गई। पुरातत्व विभाग से प्री वेडिंग शूट के लिए फोटोग्राफर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर कब्जा कर लेते हैं और 2 घंटे तक इन पॉइंट्स पर फिर पर्यटकों को नहीं आने देते। ऐसे भी देश विदेश के पर्यटक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखने से महरूम रह जाते हैं। देखिए, आज सुबह भी इस तरह की घटना हुई। एक प्री वेडिंग शूट फोटोग्राफर ने एक पॉइंट पर अपना कब्जा जमा लिया। टूरिस्ट गाइड के मना करने पर आपस में जोरदार तकरार उसके बाद हो गई। बावजूद इसके आमेर महल प्रबंधन मूक दर्शक बना रहा। क्या ऐसे दागदार होती रहेगी हमारी विश्व विरासत? क्योंकि एक सवालिया निशान है विश्वसनीयता पर भी। देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं या पुरातत्व निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसे वाक्य सामने आए हैं। प्री वेडिंग फोटोग्राफर्स क्योंकि ऐसे जो लोकेशंस होते हैं उनकी तलाश में रहते हैं, लेकिन फिर 1 या 2 घंटे के लिए जब तक उनका शूट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक सारे फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स नहीं क्लिक कर लिए जाते, तब तक वहां पर किसी भी और व्यक्ति के मूवमेंट को रोक दिया जाता है। तो होता इससे ये है कि जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, और पॉइंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट्स हो, उनमें ये पर्यटक साइट सीइंग से महरूम रह जाते हैं और उसके बाद इस तरह की तकरार होती है जो आज सुबह भी आमेर महल में हुई। लेकिन आमेर महल का जो प्रबंधन था वो पूरे मसले पर मूक दर्शक बना रहा। सवाल यही कि क्या इसी तरह से दागदार होती रहेगी हमारी विश्व विरासत? क्योंकि विश्व विरासत में शामिल किया गया था, लेकिन लोग जब देखने के लिए पहुंचते हैं तो किसी समय के लिए या 1 से 2 घंटे के लिए अगर वहां पर मौजूद रहकर भी पूरे महल को ना देख पाए, टिकट पे करके भी, पैसे देकर भी, तो फिर कहीं ना कहीं जो गुस्सा है और इस तरह की कहासुनी है वो होना लाजमी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह में एक और ऐसा वाकया हुआ जब आमेर महल में पर्यटक पहुंचे, लेकिन वहां पर पहले से ही प्री वेडिंग शूट चल रहे थे। और देखिए, पहले जो प्री वेडिंग शूट्स जयपुर में ऐसे कई सारे लोकेशंस हैं जब होते थे तो उसको लेकर कोई मनाही नहीं थी, लोग करने लगते थे प्री वेडिंग शूट्स, लेकिन उसके बाद भी उस पर उसको चार्जेबल किया गया। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी जो कि आप कह लीजिए कि फोर्ट्स हो गए या फिर कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, वहाँ पर पहुँच कर इन लोगों के साथ में फिर इस तरह से उनके टिकट होने के बावजूद भी अगर उस जगह के साइट सीइंग से महरूम इन्हें रहना होता है तो फिर गुस्सा आना लाजमी है। पूरी जानकारी के हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं उस विश्व विरासत की विश्वसनीयता पर, क्योंकि लोग टिकट पे करते हैं लेकिन फिर भी पूरा का पूरा फोर्ट या मॉन्यूमेंट नहीं घूम पा रहे हैं किसी कारणवश, क्या वो कारण है, आप थोड़ा विस्तार से समझाएं। बिल्कुल जैसे देखिए, चूंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, दीपावली अवकाश पर इस समय पर्यटनों का जो जितना भी पर्यटक है उनका फैलाव उमड़ पड़ा है, खासकर विश्व विरासत में शुमार आमेर को लेकर ज्यादा ही क्रेज पर्यटकों को देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से पुरातत्व विभाग ने प्री वेडिंग शूट को कमर्शलाइज किया है, उसके बाद से तमाम जो परेशानियां बढ़ने लग गए हैं। जो मेन स्पॉट्स है, खासकर जो मेन पॉइंट होता है, खासकर आमेर की हम बात करें, मानसिंह महल की बात करें, जलेब चौक की बात करें, पिछला हिस्सा है, वहां पर प्री वेडिंग शूट करने वाले जितने भी फोटोग्राफर थे वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं उस जगह को, 2-3 घंटे तक छोड़ते नहीं है। आज सुबह भी कुछ इसी तरह का वाकया हुआ, जो मेन पॉइंट थे वहां उन्होंने छोड़ रखे थे, वहां कुछ विदेशी पर्यटकों का एक पूरा ट्रुप था जिसको देखना था, उनके साथ तमाम जो गाइड थे वहां पहुंचे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी की जो प्री वेडिंग जो फोटोग्राफर थे, लेकिन उन्होंने जगह को खाली करने से मना कर दिया। उसके बाद आपस में जबरदस्त तकरार देखने को मिली। इस बीच पुरातत्व विभाग की तरफ से कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा देखा गया कि पुरातत्व विभाग जो तमाम जो प्रबंधन है आमेर महल का प्रबंधन, वो कहीं ना कहीं उदासीनता इसको लेकर बरत रहा है। इससे न केवल विश्व विरासत में शुमार हमारे आमेर की जो छवि है वो देश विदेश में खराब हो रही है, साथ ही साथ ये जिस तरह से आपने भी कहा कि विश्वसनीयता जो है उसको प्रश्न चिन्ह लगता है, तो निश्चित तौर पर आमेर में अगर इस तरह के हालात है तो बाकी मॉन्यूमेंट को लेकर तो हालात और ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए पुरातत्व विभाग को, खासकर महेंद्र सिंह खड़गावत जो निदेशक हैं, उनको इस मामले में पूरे में दखल करना चाहिए, दखल देना चाहिए और निश्चित तौर पर इस बात के लिए जवाब भी मांगा जाना चाहिए कि क्यों उस तरह की नौबत आ रही है। आप जो मेन पॉइंट है, अगर आमेर के पर्यटक अगर वो विदेश से आ रहा है या दूसरे राज्यों से आ रहा है उसको देखना चाहता है, तो क्यों नहीं उसको देखने दिया जा रहा है? क्योंकि 2 से 3 घंटे 4 घंटे वो आमेर में गुजारता है, उसमें 2 घंटे अगर किसी पॉइंट को नहीं देख सकता तो निश्चित तौर पर पूरा आमेर नहीं देख पाता और अपने जेहन में जो छवि लेके जाता है आमेर की बहुत अच्छी छवि नहीं होती। आमेर की नहीं, पूरे जयपुर या राजस्थान की बात करें तो निश्चित तौर पर आज का जो वाकया है ये एक तरह से शर्मनाक वाकया है, इसके ऊपर निश्चित तौर पर एक कार्रवाई भी करनी चाहिए और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर पुरातत्व विभाग को एक विशेष प्रबंध करने चाहिए और वहाँ के जो तमाम जो कर्मचारी हैं उनको भी हिदायत है। बिल्कुल निर्मल जी, आशा ही करते हैं कि इस खबर के प्रसारित होने के बाद में जो संज्ञान है इस मामले पर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।